नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। फरीदकोट की कोतवाली विच नवें आए SHO सब इंस्पैक्टर लाभ सिंह ने चोरां लुट्टां अते खोहां करन वालियां उपर हुण असिद्धे रूप विच भी दबाव बनाउणा शुरू कर दिता है। तो इस बारे उन्होंने एक नवां महाज खोलदियां मोबाइल मार्केट विच जा के मोबाइल विक्रेतावां नूं इकट्ठे करके उन्हां नाल मीटिंग कीती। उन्हां कहा कि चोर ते लुटेरे खोहे गए मोबाइलों ज़्यादातर मोबाइलों दियां दुकानों ते ही वेचते हैं, पर कुछ लालची किस्म के व्यक्ति सस्ता मोबाइल खरीदन के चक्कर विच उन्हां तों मोबाइल खरीद लेंदे हैं, जिस करके माड़े अंसरां नूं उत्साह मिलता है। उन्हां सारयां नूं हदायत की कि कोई भी मोबाइल बिना जान पहचान अते बिना कोतवाली तों चैक करवाया ना खरीदया जाए। उन्हां दी इस मीटिंग तों बाद मोबाइल विक्रेतावां ने भरोसा दिता कि वह पुलिस दे नाल हन ते लुट्टां खूहां ते चोरी दीआं वारदातां करन वालियां दा किसी भी हालत विच साथ नहीं देणगे। उन्हां कहा कि वह अपने सारे ही साथी दुकानदारां नूं अपील करनगे कि किसी भी शक्की व्यक्ति तों मोबाइल ना खरीदया जाए, बल्कि उस दी सूचना पुलिस नूं दित्ती जाए। जिहड़े लोक ना लुट्टां खूहां करदे ने उह नाल मोबाइल भी खोहंदे ने, फिर वह आ थाणे दे अगे ही अपने मार्केट है, मोबाइल मार्केट है। ये अज मोबाइल मार्केट वाले सारे दुकानदार मैं इकट्ठे करके उन्होंने ये सलाह दिती है कि जो कोई बंदा थोड़े कोई चोरी का मोबाइल कोई मोबाइल बेचना आता तो उन्होंने कहो भी असं थाने तो वेरीफाई करवाना है मोबाइल। जे वो चोर होगा या वो मोबाइल चोरी का होगा वो वेरीफिकेशन कराने वास्ते उधर नूं जाऊगा नहीं, वो आनी कानी करेगा। मैं उन्होंने कहा भी जो बंदा आनी कानी करे तो उस बंदे तुसी रोक लेना, बिठा लेना, बिठा के मैनू फोन कर देना, फिर मैं वेरीफाई करूँगा। अगर वो क्रिमिनल होया तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की। सहयोग मिले बहुत वधिया सहयोग मिले, सारे बहुत खुश ने। वो कहते थोड़े वर्गे पहले अफसर आए हैं भी जिन्होंने साढ़े नाल मार्केट च आके पहली बार मीटिंग की है। बिल्कुल अपना मैं मोबाइल नंबर दिता है, तो जो भी यह जहाँ कोई बंदा कोई चीज़ बेचण आता सैकेंड हैंड चीज़ बेचण आता उन्होंने साढ़े को वेरीफाई कराओ, तो जोड़ा बंदा क्रिमिनल होगा वो थाने वालों तुरूगा ही। जो बंदा आनी कानी करता भी तुम बिठा लो तो उन्होंने असी आके फिर उन्होंने वेरीफाई कराओ। बिल्कुल बिल्कुल सारिया मार्केटा मैं मीटिंग करके ऐसे तरह लोगों मीटिंग करके उन्होंने प्रिपेयर करूँगा इनफॉरमेशन देने वास्ते, इस तरह अभी सारे शहर को कंट्रोल करा। अज SHO साहब साड़ी मार्केट के आए थे, उन्होंने सारे मोबाइल वाले इकट्ठा किया, सारा कहा भी कोई भी बंदा चोरी के फोन ना खरीदे। उस चीज़ नाल चोरी के फोन खरीदने नाल चोरों का हौसला बहुत वध रहा है, तो वह रोज़ दिहाड़ी फरीदकोट के वारदात कर रहे हैं। सानू सारा उन्होंने कहा अपना नंबर दे के गए हैं भी कोई भी तुहाडे कोल चोरी का फोन वेचण आंदा तां तुसीं मेरे नाल संपर्क करो, आपां उह बंदे फड़ने आ ते फरीदकोट के वारदातों नूं लगाम पानी आ। तो बाकी वह होर भी सुझाव काफ़ी दे के गए आ जो सारे दे वास्ते हक दे विच आ, जिवें साडे इत्थे थोड़ा रस्ता टाइट हैगा, सारी दुकानदारां ने बोर्ड बाहर रखे हुए सी उहदे बारे भी कहे गए भी थोड़े आपदे बोर्ड अंदर रख्या करो, जिहड़ी जनता नूं पानी जो खड़ा हो जाता मीह बारिश वगैरह होंगी किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो बाकी असं इन्हों फिर मिलेंगे, इन्हों गलबात करांगे, इन्हों के सुझाव बहुत वधिया इंसान ने SHO साहब। असं उन्होंने ये भरोसा दिता कि साड़ी मार्केट के कोई भी बंदा मोबाइल वेचण आता जिहड़ा सानू लगता कि यह चोरी का हो सकता है या वह बंदा इस फोन का मालिक नहीं है, तो असं SHO साहब नूं कॉल करके बुलावांगे, उस बंदे की शनाख्त करावांगे तो उसनू पुलिस दे अड़के लियावांगे। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ SHO ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੋ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਦਾਊਟ ਡੱਬਾ ਵਿਦਾਊਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ SHO ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ